माय लवली व्यूअर्स, शिवानी का प्यार भरा नमस्कार। आ गई मैं फिर से एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके कुछ नए ट्विस्ट के साथ है, जो आज मैं पोहा बनाऊंगी। ये हाँ जी, आज मैं बनाने वाली हूँ पोहे की रेसिपी, पर एक ट्विस्ट के साथ अपने, विदाउट अनियंस और लोडेड विद वेजीज। तो आप इसको बोल सकते हैं पोहा लोडेड विद वेजीज के साथ। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। ये है एक कप पोहा, जो कि मैंने अच्छे से वॉश करके और उसको फुला लिया था, और ये एकदम अच्छे से फूला हुआ है। ये एक कप है। ये है वेजीज, जिसमें आपको दिख रही होंगी बीन्स, गाजर, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, ब्रोकली, मटर, मुझे जो मिली मैंने लिया, बिकॉज आज बन रहा है भाई हेल्दी वेजिटेबल पोहा। अब चलते हैं तड़के की तरफ। तड़के के लिए वही है, लेकिन कुछ ट्विस्ट इसमें भी है। ये है जीरा, राई, करी पत्ता, और ये है ड्राई रोस्ट की भी कसूरी मेथी। मैंने कहीं देखा था तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक बार ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। ये है ग्रेट किया हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च दो, हल्दी पड़ेगी इसमें। ये है एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक नींबू का रस मैंने गाड़ के रखा हुआ है। ये है बारीक कटा हुआ धनिया और नमक स्वाद के अनुसार। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनेगा आज हमारा हेल्दी वेजिटेबल पोहा। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। ये मेरी कढ़ाई, जिसमें मैंने डाला है एक बड़ा चम्मच मूंगफली का तेल। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना ये तड़का। अब ये गला सा चटकने दीजिए इसको, फिर उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे अपना ग्रेट किया हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। हमारा तड़का जो है वो अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब इसको भी अच्छे से भूनना है गैस की फ्लेम, तो इस पर थोड़ा सा मीडियम में कर देंगे हम लोग, ताकि अदरक जो है वो अच्छे से भुने। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी वेजीज, और वेजीज ऐड करने के बाद हमें अपनी गैस की फ्लेम को जो है वो हाई रखना है, बिकॉज हमें अपनी वेजीज का जो है वो क्रंच बरकरार रखना है। ये मैंने ऐड कर दी अपनी वेजीज। अब मैं दूंगी एक अच्छा सा टॉस, और बिना नमक ऐड किए मैं इसको इसकी लिड लगा दूंगी, और दो मिनट के बाद इसका कवर जो है वो निकाल दूंगी। मैंने नमक इसलिए नहीं ऐड किया है बिकॉज सब्जियों का जो क्रंच है वो निकल जाएगा और सब्जियां सॉगी हो जाएंगी। तो बस अब मैं उसको क्या करूंगी कि इसका जो है वो कवर लगा दूंगी और गैस की फ्लेम को जो है वो लो कर दूंगी। अब एक मिनट के बाद मैं इसको खोल के फिर उसके बाद का स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। दो मिनट हो गया था, मैंने अपनी सब्जियों का लिड जो है वो निकाल दिया था। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया अपने बारीक कटे हुए टमाटर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिंच ऑफ हल्दी, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। अभी भी मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया बिकॉज मुझे वो क्रंच चाहिए अपनी सब्जियों में। तो सॉल्ट मैं आपको करीब बताऊँ तब आप डालिएगा। बस हमको इसको अच्छे से टॉस देना है, और हल्दी कच्ची ना रहे तो मैं उसको एक मिनट के लिए कवर करके जो है वो रखूंगी, अपनी हल्दी जो है वो पक जाए, बस एक मिनट के लिए। अब मैंने लिड निकाल दी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना ये सोक किया हुआ पोहा, और जो नींबू का रस मैंने निकाला है। अब जाएगा नमक, जी हाँ, इस स्टेज पे जाएगा जो है वो स्वाद के अनुसार जो है वो नमक, राइट। अब हम देंगे इसको अच्छा से टॉस, और सभी चीजों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। फिर उसके बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे धनिया के साथ। तो बस मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। दैट ब्यूटिफुल, हमारा जो है वो गार्निशिंग मैंने डाल दी, सब कुछ मिक्स एंड टॉस कर दी, और कितना ब्यूटिफुल लग रहा है हमारा ये पोहा लोडेड विद वेजीज वाला, और सब्जियों का क्रंच बिल्कुल वैसा ही बरकरार है। अब बस इसको एक मिनट तक ऐसे ही ओपनली, बिल्कुल लिड नहीं लगानी है, और ऐसे ही इसको कुक करना है। फिर उसके बाद चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। ये कर ली है मैंने अपनी वेजिटेबल पोहा की प्लेटिंग। तो कैसी लगी आपको ये मेरी हेल्दी वेज पोहा की रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट्स करिए मुझे भर भर के, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सी या।